इंदौर में हत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल पहुंचाया गया है। इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने पड़ोसी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मृतक कल्लन अली की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जीतू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल पहुंचाया गया है। वो पानी भरने के चक्कर में मारा था सर। हाँ, उसकी घरवाली पानी भर रही थी यहाँ पे, तो जूती भाभी ने बोला कि यहाँ से मत भरो। तो नहीं बोले कि हम यहीं से भरेंगे, हम तुम्हारे अंदर से नहीं भरेंगे। तो जो वो लकड़ी रखा हुआ था उसको हटा के उधर पटक दिया उसने। हाँ। तो वो इसलिए हो गया, वो लड़का ने चाकू लेके मार दिया उसके। पास पास रहने वाले दो व्यक्तियों में एक छोटा बॉक्स रखा था और उसको लेकर के, उसको हटाने को लेकर के विवाद हुआ और दोनों में मारपीट हुई। उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया, अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। एक ही कॉमन दोनों के बीच में, तो स्वाभाविक है पानी को लेकर भी उनमें आए दिन छोटी छोटी बात से विवाद होता रहता। शहर में आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मामूली विवाद के चलते हुई इस हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।